मल्हार राव होलकर की सूझबूझ, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो हमने देखा है कि फैसले के बाद जिस तरह से रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, धनाजी सरदार पूरे मन में कड़वाहट लेके बैठे थे, गुनू जी का भी मन थोड़ा अलग था, तो इस पूरे मामले को किस तरह से देखा मल्हार राव होलकर ने अपनी सूझबूझ के साथ, और किस तरह उन्होंने अपनी बेटी की साइड भी बचा ली, अपने रिश्ते को भी बचा लिया कि बेटी को कल को कोई तंग ना करे या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सूझबूझ कैसी सूझबूझ है इसके ऊपर जरूर बात करना बनता है, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, धना जी का रोष हमने देखा, वो बदला लेने की चाहत में घूम रहे हैं मल्हार राव होलकर से, क्योंकि उनके साले साहब को इतनी बड़ी सजा जो है सुना दी गई है। गुनू जी बीच में एक पक्ष रखते हैं क्योंकि उनको अपना लालच है कि मुझे जो है एक मुहिम पे भेजा जाएगा जिससे मुझे बहुत फायदा होगा, इसे इस बात को अभी यहाँ पे ठप कर देते हैं, बाद में देखेंगे, बाद में आत्मसम्मान को आराम से प्यार से परोसेंगे। तो ये बात बाप बेटा में हो जाती है, खाने पे बैठ जाते हैं, और मैं ये सुन के खुश होगी जब मल्हार राव होलकर कहते हैं धनाजी सरदार को कि कल पिलाजी पाटिल की जो सजा है, जो शाम को होने वाली है सजा, उसका ऐलान आप करोगे, है ना। सांप भी मर गया लाठी भी जुटी, बताती हूं आपको कैसे। सबसे पहली बात तो जो उन्होंने गुनू जी को एक ऑफर पहले से ही देके रखी हुई थी, सोची हुई थी, जो गुनू जी ने सुन लिया था बाय चांस, मगर मुझे लगता है कि बाय चांस कुछ नहीं होता है, मे बी कहीं ना कहीं मल्हार राव होलकर को पता होगा कि ये होने वाला है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी का जो हस्बैंड है, उनका जावी साहब है, वो तरक्की करे, तो उस तरक्की के साथ ही वो सोचते हैं कि हाँ इनको हम ये वाला अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये बात उनको पहले से ही उनकी तैयारियों में थी। अब ये इतनी बड़ी बात अलग से आ गई सामने पिलाजी पाटिल की, तो उनको दिखा कि जहां मैं रिश्ते सुधारने जा रहा था और ज्यादा उनको पक्के करने जा रहा था, ये तो कुछ कच्चा सा हो रहा है, ये लोग तो नाराज हो रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने धनाजी सरदार को ये बात कही कि आप ही ऐलान करो। इसके पीछे की वजह ये है दोस्तों कि अगर धनाजी सरदार ये सजा का ऐलान करते हैं तो ये सब प्रजा में ये मैसेज जाएगा कि ये जो परिवार है जिसमें सब लोग न्याय की तरफ जाते हैं, धनाजी सरदार ने भी न्याय का ही साथ दिया है, चाहे अंदर से वो जितना मर्जी उनके अंदर चल रहा हो कि गलत हो गया, मेरे साले साहब को ये कर दिया वो कर दिया, मगर बाहर प्रजा में जब धनाजी सरदार उनकी सजा का, जो भी जिस टाइम पे सजा होनी है कि आप बोलते ना कि आप कर दो या चुरंगा बना दो, जो भी ऐलान होगा वहां पे वो धनाजी सरदार ऑर्डर देंगे। तो ये बात बोल के उन्होंने पूरी की पूरी जो है अपनी रिश्तों की जो होता ना गर्माहट जो थी सारे रिश्तों की, उन्होंने ऊपर से समेट ली। अब कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर सकता है प्रजा में, जिस चीज का डर था धनाजी सरदार को कि लोग क्या कहेंगे कि धनाजी सरदार का साला, उसको इतनी बड़ी सजा, और जब उस सजा को वो खुद बोलेंगे कि कर दो दे दो सजा, तब लोगों को यही मैसेज जाएगा कि धनाजी सरदार भी अपने शासक के साथ है, मल्हार राव होलकर के साथ है, और ये सजा में उनकी पूरी पूरी सहमति है। तो ये जो तरकीब, जो सूझबूझ है मल्हार राव की, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को भी दुखी नहीं होने दिया, उन्होंने धनाजी सरदार की इज्जत और बढ़ा दी सब लोगों की नजरों में, जिसका उनको खतरा लग रहा था, क्योंकि पिलाजी पाटिल को तो सजा हो ही गई है, अब उसके बाद क्या। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने संभाल लिया। मुझे लगता है कि इसके बाद जो भी होगा वो उनके दिमाग में होगा ही होगा कि अब आगे क्या करना है, मगर फिलहाल उन्होंने अपने फैसले पे धनाजी सरदार की भी मोहर लगवा ली प्रजा के सामने कि अब ये हमारा परिवार का, हमारे जो पूरे के पूरे लोग हैं, जो सरदार हैं, उनका सबका यही मानना है कि पिलाजी पाटिल को सजा होनी ही चाहिए, और ये सजा उनके लिए बिल्कुल जायज है, और ये हम सब मिलके उनको देंगे। क्या कहते हो आप इसके बारे में, है ना सूझबूझ की बात, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।